हाँ जी दोस्तों, स्वागत आप सबका इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर में। आज के हमारे इस इनकॉर्पोरेशन के चैप्टर का जो सेक्शन का रेंज है, दैट इज फ्रॉम 3 to 22। वैसे आपको सच बताऊं कि सेक्शन 3 से लेकर 22 तक सारे सेक्शंस इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड नहीं है। मतलब अगर आप इनकॉर्पोरेशन वाले जो चैप्टर है उसका प्रॉपर नाम पढ़ेंगे ओरिजिनल कंपनी लॉ में, तो उसका नाम है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। ये नाम है चैप्टर का, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। इनकॉर्पोरेशन भी है इसके अंदर और उससे संबंधित कुछ बातें भी हैं। अगर आप रियलिटी में देखें तो इनकॉर्पोरेशन के सेक्शन हैं केवल 3, 4, 5, 6, 7 बस। 3, 4, 5, 6, 7 के बाद 8 से लेकर 22 तक कुछ दूसरी दुनिया की ही बातें हैं। स्पेसिफिक टू इनकॉर्पोरेशन अगर आप सेक्शन ढूंढेंगे तो वो 3 से लेकर 7 तक ही है। भाई अभी हो सकता है आपको मेरी बात पर भरोसा ना हो, लेकिन जब आप खुद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा। सेक्शन 8 इज अबाउट चैरिटेबल कंपनी एंड सेक्शन 9 to 22 नन ऑफ द सेक्शन स्पीक अबाउट इनकॉर्पोरेशन। लेकिन क्योंकि हम अपना चैप्टर पूरा कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हम इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड सेक्शन नहीं है लेकिन चैप्टर में है तो हम छोड़ देंगे, पढ़ना तो सब कुछ ही है। 3 से लेकर 22 तक ऑल सेक्शंस वी विल डू, राइट दोस्तों। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 3। स्क्रीन में चेंज कर रहा हूं, आइए लिखिए। सेक्शन 3 और इसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेक्शन 3 के अंदर अगर आप ओरिजिनल बेयर एक्ट पढ़ें तो 2 सबसेक्शन है केवल, लेकिन उसके अलावा कुछ और प्रोविजन सेक्शन 3 में पाए जाते हैं जो स्पेसिफिक टू 1% कंपनी के बारे में बात करते हैं। आई विल शो यू। अभी फिलहाल आप देखिए सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में, सेक्शन 3 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में हमें क्या क्या लिखना है, नोट्स बनाने शुरू करिए। पॉइंट 1, अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड, कंपनी खोली जा सकती है फॉर एनी लॉफुल पर्पस। लॉफुल शब्द से मतलब ये बड़ा क्लियर हो चुका होगा आपको, लॉफुल से मतलब है कि भाई जो भी कंपनी खुलेगी उसका जो पर्पस है वो लीगल होना चाहिए। भाई वैसे भी आप समझते होंगे दी ऑब्जेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी इलीगल, राइट। कुछ इलीगल कामों के लिए आप बिजनेस शुरू करेंगे, हाउ इज दैट पॉसिबल। दूसरी बात, दिस कंपनी इज क्रिएटेड अपॉन एप्लीकेशन फ्रॉम मिनिमम नंबर ऑफ पीपल एज स्पेसिफाइड बाय लॉ। मतलब कंपनी कब क्रिएट होती है, जब हम एप्लीकेशन देते हैं। ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता दोस्तों। अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म खोलना चाहते हैं, यू नीड नॉट टू अप्लाई टू सरकार एंड देन दे विल अप्रूव और उसके बाद आपकी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट होगी। वहां पर ऐसा नहीं होता। जब आपका दिल करा आपने हाथ मिलाया पार्टनर से, साझेदारों से आपने हाथ मिलाया, साझेदारी शुरू हो गई। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में जिन लोगों को कंपनी खोलनी है वो अपने मन से कंपनी नहीं खोल सकते।
सुबह डिसाइड करा कंपनी खोलनी है, दोपहर में व्यापार चालू, नो, उन्हें प्रार्थना पत्र भेजना होगा। दे हैव टू सेंड एन एप्लीकेशन टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय यदि उनकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगा तब जाकर उनकी कंपनी का जन्म होगा। इसका मतलब यहां पर एक एप्लीकेशन अप्रूवल प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 3 में हम ये लिखेंगे कि कंपनी का इनकॉरपोरेशन एक एप्लीकेशन अप्रूवल प्रोसेस है, जहां पर एक पार्टी अप्लाई करती है और दूसरी पार्टी उसे अप्रूव करती है, उसके बाद इनकॉरपोरेशन पूरा होता है। इनकॉरपोरेशन इज इन फैक्ट an application approval process। incorporation एक प्रकार का application approval process है, where people who wish to open a company वो लोग जो कंपनी खोलना चाहते हैं, पीपल हु विश टू ओपन अ कंपनी नीड टू अप्लाई टू मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड ओनली अपॉन देयर अप्रूवल Only upon their approval company takes birth। इसका मतलब हुआ कि कंपनी का जन्म सरकार के अप्रूवल के बाद होता है। ये पॉइंट लिखते रहिएगा साथ साथ आप मेरे, ना लिख पाए तो आप पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद नोट कर लीजिए, लेकिन नोट साथ साथ बनाइएगा, ऐसा ना हो कि वीडियो सुनते रहें आप और आप लिखना भूल जाएं या लिखना न चाहें। कई बार दिल करता है कि बस इसका पीडीएफ मिल जाए और बस बल्ले बल्ले। पीडीएफ मिल भी जाए अगर आपको, वैसे तो मैं चाहूंगा कि न मिले, लेकिन अगर मिल भी जाए तो भी आप अपने हाथों से दोबारा उसको लिखिएगा और पीडीएफ डिलीट कर दीजिएगा। इनकॉरपोरेशन और क्रिएशन में बड़ा फर्क है दोस्तों। खुलना और खुलवाना ये दो हिंदी के शब्द हैं, टू ओपन एंड टू गेट इट ओपन्ड, ये फर्क है। वेन यू ओपन अ पार्टनरशिप यू ओपन इट योर सेल्फ, वेन यू ओपन अ प्रोपराइटरशिप यू ओपन योर सेल्फ, बट वेन यू ओपन अ कंपनी यू डोंट एक्चुअली ओपन अ कंपनी, यू गेट इट ओपन्ड बाई लॉ, बाई अथॉरिटीज, बाई सरकार। तो जब व्यापार हम स्वयं खोलते हैं उसको क्रिएशन कह सकते हैं, लेकिन जब व्यापार हम खुद नहीं खोलते, सरकार के अप्रूवल से खुलवाया जाता है, तो उसे इनकॉरपोरेशन कहते हैं। देखिए जरा पॉइंट नंबर 4, क्रिएशन एंड इनकॉरपोरेशन आर टेक्निकली डिफरेंट। क्रिएशन एंड इनकॉरपोरेशन आर टेक्निकली डिफरेंट, वैसे ये टेक्निकली डिफरेंट है, सुनने में एक जैसे लगते हैं। क्रिएशन मींस टू ओपन एन एंटिटी, एक व्यापार खोलना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना। And incorporation means to get an entity opened। फर्क समझा आपने? बिजनेस खोलना और किसी से बिजनेस खुलवाना, ये फर्क है क्रिएशन और इनकॉरपोरेशन। वी कैन ओपन पार्टनरशिप बट वी कैनॉट ओपन कंपनी ourselves, राइट? पार्टनरशिप हम खुद खोल सकते हैं लेकिन कंपनी हमें खुलवानी पड़ती है।
नंबर ऑफ पीपल हु अप्लाई टू ओपन अ कंपनी मस्ट बी 7 or more इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी. अगर आप पब्लिक कंपनी खोलना चाहते हैं तो 7 या उससे ज्यादा लोग होने चाहिए जो अप्लाई करेंगे और फिर सरकार आपकी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगी. 2 or more होने चाहिए इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और तीसरा है 1 इन केस ऑफ 1-person कंपनी. कम से कम इतने लोग अगर अप्लाई करेंगे तभी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सरकार के तरफ से किया जाएगा. और ये जो इतने लोग हैं, जो भी आपने यहां संख्या लिखी कि इतने लोग होंगे तभी इनकॉर्पोरेशन किया जाएगा, ये कैटेगरी वाइज है देखा होगा आपने. और ये सब कुछ आपने डेफिनेशन में भी पढ़ा होगा कि पब्लिक कंपनी में इतने से इतने लोग होते हैं, प्राइवेट में इतने से इतने, और 1-person में तो है ही अकेला. ये जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इनको कहा जाता है फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. फर्स्ट शेयर होल्डर्स या सब्सक्राइबर्स ऑफ द कंपनीज मेमोरेंडम. कंपनी खुलते समय जो सबसे पहले शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एप्लीकेशन प्रोसेस और एप्लीकेशन फॉर्म में हिस्सा बनते हैं, सिग्नेचर्स करते हैं अपने कंपनी खुलते समय हर कागज पर, उनको ही सब्सक्राइबर्स कहा जाता है. तो कम से कम इतने लोग अप्लाई करेंगे तब जाकर सरकार आपकी कंपनी को अप्रूवल देगी. पॉइंट नंबर 6, दीज पीपल हु अप्लाई फॉर इनकॉर्पोरेशन आर फर्स्ट शेयर होल्डर्स आर फर्स्ट शेयर होल्डर्स ऑफ कंपनी. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम. दे आर ऑल्सो कॉल्ड सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम. उन्हें सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम भी कहा जाता है. अच्छा, एक बात समझने की कोशिश करिए कि सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम वर्ड जो है उसमें ये मेमोरेंडम शब्द का मतलब हो सकता है आपको क्लियर ना हो. वैसे तो आप सब चैंपियन लोग हैं, बहुत दुनिया देखी है आपने. मेमोरेंडम आर्टिकल, प्रमोटर, शेयर, डिवेंचर सब जानते हैं आप, कई जगह आपने ये सब सुना है. लेकिन जब तक मेरी क्लास में आप मेमोरेंडम शब्द नहीं सुन लेते तब तक आप मान लीजिए कि आपको मेमोरेंडम नहीं आता. थोड़ी देर के लिए आता है तो भूल जाइए, हम देखेंगे. मेमोरेंडम होता होगा, कुछ हम नहीं जानते अभी. वो जो भी होता है उसमें जिन लोगों के सिग्नेचर होते हैं वो यही मिनिमम लोग होते हैं. मेमोरेंडम नाम के कागज पर जो लोग सिग्नेचर करते हैं और अप्लाई करते हैं कि भाई हमारी कंपनी खोल दो, उनके नाम के आगे उनके सिग्नेचर के साथ साथ ये भी लिखा जाता है कि वो कितने शेयर खरीद रहे हैं. वो सब कुछ मेमोरेंडम में पढ़ेंगे. लेकिन फिलहाल हमने बस ये सीखा कि जो मिनिमम सब शेयर होल्डर्स हैं, जो कम से कम लोग हैं, जो 7, 2 or 1 हैं, जो अप्लाई कर रहे हैं कंपनी खोलने के लिए, उनको सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम कहा जाता है. क्लियर हो गई बात? बिल्कुल समझ आई. पॉइंट नंबर 7, the company being applied may be
इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। जो कंपनी आप खोलना चाहते हैं, जो कंपनी आप अप्लाई कर रहे हैं, वो नीचे दी गई कैटेगरीज में से एक हो सकती है। देखिए, पहला कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और अनलिमिटेड कंपनी। अब मुझे भरोसा है कि आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज समझ आ चुका होगा जब हमने समझा होगा, और नहीं समझा तो आप समझ लीजिएगा। यहां पर मैं एक एक लाइन आपको सुना देता हूं, समझा देता हूं एज अ रिविजन। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में लोग शेयर खरीदते हैं कंपनी के, और जितने रुपए का शेयर उन्होंने खरीदा है बस उतने रुपए कंपनी को पे करने की उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर उतने रुपए उन्होंने पे कर दिए हैं कंपनी को, तो उनकी लायबिलिटी खत्म हो गई। अब कंपनी अपनी लायबिलिटीज पे कर पाए ना कर पाए, कंपनी सॉल्वेंट रहे इनसॉल्वेंट रहे, कंपनी व्यापार में अच्छा चले खराब चले, कंपनी जैसे घूमे घूमे, शेयर होल्डर को और पैसे देने की जरूरत नहीं। जैसे पार्टनरशिप में होता है कि पार्टनर अपनी जेब से बेचारा पैसे देता ही रहता है, जब जब फर्म को जरूरत पड़ती है तब तब पार्टनर अपनी जेब से पैसा देता है, क्योंकि वहां अनलिमिटेड लायबिलिटी हुआ करती है। वैसा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में नहीं होता। वैसे ही कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है, जिसमें जो मेंबर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो कंपनी के सदस्य बनते हैं, दे डोंट बाय शेयर्स जनरली, दे गिव अ रिटन गारंटी के भाई हम जब तुम कहोगे पैसे दे देंगे, मैक्सिमम इतने रुपए तक। मेंबर्स ऑफ दिस सेकेंड टाइप ऑफ कंपनी गिव अ रिटन प्रोमिस टू देयर कंपनीज दैट वेन एवर कंपनी इज इन नीड वी विल पे सम मनी, और वो मैक्सिमम लिमिट अपनी गारंटी में, कागज में, प्रोमिस में, वादे में लिख कर रख देते हैं कि भाई जब कंपनी को जरूरत पड़ेगी हम पैसे देंगे और हम तैयार हैं कंपनी को हेल्प करने के लिए। अब जब भी कंपनी को जरूरत पड़ेगी उतने रुपए जितने रुपए का प्रॉमिस है वो मेंबर से हमने ले लिए पैसे, बस उसकी लायबिलिटी वहीं समाप्त हो गई। हिज लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट विच ही हैज गारंटीड इन हिज रिटन प्रॉमिस। तो इन दोनों को लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। इन दोनों कंपनीज के नाम के आगे लिमिटेड शब्द लिखा होता है। लेकिन ये जो तीसरी कंपनी है अनलिमिटेड कंपनी, ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। मैं अभी लाइव आपको एमसीए की वेबसाइट पर लेकर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या काउंट है हमारे देश में अनलिमिटेड कंपनियों का। अनलिमिटेड कंपनियां आज भी हमारे देश के अंदर हैं। आपको सुनने से अजीब लगेगा लेकिन यह बात सच है कि अनलिमिटेड कंपनी भी होती है। यह एक ऐसी कंपनी है जो बिल्कुल पार्टनरशिप का जुड़वा भाई है। मतलब इसमें और पार्टनरशिप में कोई खास फर्क नहीं निकला दोस्तों, क्योंकि यहां पर भी वेन एवर कंपनी इज ए नीड मेंबर्स हैव टू पे मोर मनी। तो आपका मन कह रहा होगा कि फिर फायदा ही क्या है ऐसी कंपनी खोलकर, फिर तो ये कंपनी खोली तो हमारा कोई फायदा ही नहीं हुआ, ये तो वही बात हो गई कि पार्टनरशिप में जिन दुखों से हम दुखी थे परेशान थे वो यहां पर भी सॉल्व नहीं हुए। हाँ, नहीं सॉल्व हुए, इसीलिए कंपैरेटिवली ये वाली कंपनियां कम हैं। अगर लिमिटेड कंपनीज देश में देखूं तो वो लैक्स हैं, लाखों हैं, लेकिन जो अनलिमिटेड कंपनी है दे आर इन हंड्रेड्स, फ्यू हंड्रेड्स। लेट मी शो यू, लाइव हम चल रहे हैं इस समय एमसीए की वेबसाइट पर, मैंने ये फाइल डाउनलोड भी कर रखी थी। यस, जी हां दोस्तों, ये है वो फाइल जब वहां इंटरनेट अपना चलता रहेगा। हमारे पास अप्रैल 2021 की फाइल है, अप्रैल 2021 की ये फाइल
भारत सरकार की वेबसाइट से हमने डाउनलोड करी है और यहाँ पर देश में कितनी कंपनियाँ हैं उसकी डिटेल हमें मिल जाएगी। देखिए, ये रहा दोस्तों, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड कंपनीज का काउंट यहां लिखा है 13,46,813, 13,46,813 कंपनीज आर देयर इन इंडिया विच आर लिमिटेड बाय शेयर्स। इंडिया हैज 8,385 कंपनीज एज ऑन 30th अप्रैल, 30 अप्रैल का डेटा है ये, ध्यान से देखिए आप, एज ऑन 30 अप्रैल 2021, 30th अप्रैल को अगर काउंट किया गया तो पता चला कि 13 लाख से ज्यादा कंपनियां हैं वो वाली जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, ये दिखती हैं हमको तो हमें लगता है कि ये कंपनियां देश में हैं। लिमिटेड बाय गारंटी वाली कंपनी हमें देश में कहीं दिखाई नहीं देती, तो जब वो हमें कहीं दिखाई नहीं देती तो हमें लगता है कि भाई ये वाली कंपनी का तो सिर्फ नाम है किताबों में, ये कंपनी कैसे हो सकती है, दिस इज नो, ये तो बस टाइप है, नोबडी ओपन्स इट, ये गलत बात है। 8,385 भी कोई कम फिगर नहीं होती। अच्छा, अनलिमिटेड कंपनी कितनी है, केवल 307, और ये कंपनियां भी धीरे धीरे कन्वर्जन या क्लोजर के प्रोसेस में है, ये कंपनियां भी धीरे धीरे या तो लिमिटेड टाइप में कन्वर्ट हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं। तो आपने देखा टोटल कंपनीज हमारे देश में है 13,55,505, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार है जो इस समय येलो कलर से आपने हाइलाइटेड मैनर में देख रखा है। मुझे उम्मीद है आपको ये भरोसा हुआ इस क्लास में कि ये वाली कंपनियां भी होती हैं, क्योंकि अक्सर हमें लगता है नेट चल नहीं रहा, कोई बात नहीं, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि भाई वो जो जो हम थ्योरी में पढ़ रहे हैं वो प्रैक्टिकल में कैसे हो सकता है, ये तो अजीब सी बात है। ऐसा नहीं दोस्त, ये बात क्लियर हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि सेक्शन 3 के अंदर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड जो बातें हैं वो मैं आपको बता चुका, सेक्शन 3 का एक हिस्सा पूरा हो चुका है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं सेक्शन 3 के अंदर जो सिर्फ और सिर्फ 1% कंपनी से रिलेटेड है, न जाने क्यों, भाई सरकार को चाहिए था कि जैसे सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल कंपनी के लिए अलग सेक्शन बनाया गया है, बिल्कुल वैसे ही सेक्शन 3 ABCD कुछ करके 1% कंपनी का भी अलग सेक्शन बना देना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यहां पर सेक्शन का नाम है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, तो किस इस सेक्शन में जो जनरल है जिसमें हर कंपनी का फॉर्मेशन बताया जा रहा है, सिर्फ 1% कंपनी के बारे में कुछ रूल हो अच्छा नहीं लगता। तो हम अब वो पॉइंट्स लिखने जा रहे हैं जो 1% कंपनी के बारे में है और सेक्शन 3 के अंदर ही लिखे हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूं कि आप बोर मत होना, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स मैं दो बार पढ़ाऊंगा आप, अलग से जब मैं हेडिंग कराऊंगा रूल्स रिगार्डिंग 1% कंपनी तो मैं वो रूल भी पढ़ाऊंगा जो सेक्शन 3 में है और उसके अलावा भी है। लेकिन अभी क्योंकि हमें अपना सेक्शन कंप्लीट करना है, इसलिए मैं आपके सामने केवल वो रूल लिख रहा हूं, वो पॉइंट लिख रहा हूं जो 1% कंपनी के बारे में है लेकिन सेक्शन 3 के अंदर है। आइए दोस्त, एक छोटी सी हेडिंग डालिए, रूल्स रिगार्डिंग 1% कंपनी एज कंटेंड इन सेक्शन 3। क्या रूल है ये, मैं आपको रूल समझाने से पहले एक बार इस पॉइंट की तरफ लेकर आना चाहता हूं कि 1% कंपनी में लोग होते कितने हैं।
एक, मिनिमम एक या मैक्सिमम एक। मिनिमम और मैक्सिमम वर्ड को यूज करने की जरूरत ही नहीं, यहां पर तो ओनली वन है, एग्जैक्ट वन है, ना एक से कम चलेगा ना एक से ज्यादा चलेगा, यही मिनिमम है और यही मैक्सिमम है। मान लो कि ये जो वन पर्सन कंपनी है, इसमें जो अकेला इंसान है उसे ईश्वर अपने पास बुला ले, इसकी इसकी तबीयत खराब हो जाए, ये कंपनी को ना चला पाए। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि अगर हम पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी की बात करें तो वहां कई लोग होते हैं कंपनी को चलाने वाले, कोई जाएगा तो कोई और होगा, और सारे भी चले जाएंगे तो सरकार देखेगी। देयर इज अ रूल जो आप आगे पढ़ेंगे कि अगर ऑल शेयर होल्डर्स डाई व्हाट विल हैपन, वो बड़ा एक्सेप्शनल केस है, लेकिन वन पर्सन कंपनी में जो अकेला शेयर होल्डर है ये ईश्वर को प्यारा हो जाए, ये तो बड़ा नेचुरल और नॉर्मल सा केस है, तब क्या होगा? इसलिए सेक्शन 3 कहता है कि जब वन पर्सन कंपनी फॉर्म होगी तो एक ही शेयर होल्डर होगा, ये बात तो सही है, लेकिन लोग दो चाहिए। दोबारा सुन लीजिए मैंने क्या कहा। सेक्शन 3 कहता है कि जब वन पर्सन कंपनी खुलेगी तो शेयर होल्डर तो एक ही चाहिए, शेयर होल्डर दो नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी इंसान दो चाहिए, एक शेयर होल्डर और एक उसका नॉमिनी। क्योंकि यदि शेयर होल्डर न रहा तो हमारी ये वन पर्सन कंपनी कौन संभालेगा? इसके लिए ये जरूरी है कि हमारी वन पर्सन कंपनी का शेयर होल्डर अपने लिए एक नॉमिनी अपॉइंट करे जब कंपनी खुले तब। उसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखने हैं। चलिए पॉइंट वन, ऑल्दो ओपीसी रिक्वायर्स जस्ट वन मेंबर बट इन फैक्ट टोटल टू इंडिविजुअल्स आर नीडेड, टोटल टू इंडिविजुअल्स आर नीडेड व्हेन वी ओपन ओपीसी। वैसे ओपीसी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, दो नहीं होते, लेकिन जब हम ओपीसी खोलेंगे तो असल में हमें एक मेंबर तो चाहिए, लेकिन टोटल अगर गिने तो दो इंसानों की जरूरत है, टू इंडिविजुअल्स की जरूरत है। पॉइंट नंबर टू, these two individuals are pehla the sole member who holds 100% capital of the company, सोल मेंबर जिसके पास 100% कैपिटल है कंपनी की, 100% कैपिटल, वो सोल मेंबर तो चाहिए ही चाहिए, उसकी तो जरूरत है ही है, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा इंसान जो चाहिए वो कौन है? नॉमिनी ऑफ सोल मेंबर हु विल बिकम मेंबर अपॉन डेथ और एग्जिट ऑफ सोल मेंबर। डेथ और एग्जिट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इनकैपेसिटी हो जाए, मान लीजिए सोल मेंबर पागल हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तब भी वो हटा दिया जाएगा, सरकारी रूल के हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, वो नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट होते ही ओपीसी से मेंबरशिप से भी हट जाएगा। तो सिर्फ मरना ही एक रीजन नहीं है, और भी रीजन हो सकते हैं अपनी सीट छोड़ने के, और भी कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो ये सोल मेंबर है वो अपनी सीट से हट जाएगा।
तो हमें दो लोगों की जरूरत पड़ी, एक तो सोल मेंबर और एक सोल मेंबर का नॉमिनी। क्लियर हुई बात? पॉइंट नंबर थ्री लिख लिया ना आपने, आप प्लीज याद रखिएगा, पॉज कर करके अपने नोट्स पूरे तैयार कर लीजिएगा। व्हेन इनकॉर्पोरेशन इज अप्लाइड डिटेल्स ऑफ नॉमिनी अलोंग विद हिज कंसेंट is filed with ROC। जब इनकॉर्पोरेशन का एप्लीकेशन हम देते हैं तभी हम नॉमिनी की डिटेल्स उसकी कंसेंट के साथ सरकार को अप्लाई कर देते हैं, फाइल कर देते हैं, क्योंकि उसकी कंसेंट भी तो जरूरी है। यहां पर आप किसी को अपना सोना चांदी थोड़ी गिफ्ट में दे रहे हो कि भाई मेरे बाद मेरी सारी एसेट तेरी, पूछने की क्या जरूरत है। लेकिन कंपनी चलाना अगर एसेट है तो लाइबिलिटी भी है। आप किसी को कैसे आप अपना कंपनी का जिम्मेदारी सौंप रहे कि भाई मैं ना रहूं तो तू कंपनी चला लेना, वो कहेगा मुझसे पूछा तुमने, सो यू नीड टू आस्क हिम एज वेल। इसी के आगे लिखिए सेम पॉइंट में, कंसेंट शैल बी इन फॉर्म INC 3। ये फॉर्म है क्योंकि ये इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड फॉर्म है, इसलिए इसमें कोड नंबर है INC। इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड फॉर्म होने की वजह से वी कॉल इट INC 3। क्लियर हो गई बात? पॉइंट नंबर फोर, ये समझ तो आ गया ना आपको। After the incorporation, एक बार अगर incorporation हो गया तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो nominee है वो जिंदगी भर सेम रहेगा और आपकी कंपनी से हमेशा जुड़ा रहेगा। अरे जब आपको नाराजगी हो, जब आपको गुस्सा आ जाए, nominee को हटा दो। या इसका opposite भी हो सकता है, आपका जो nominee है उसको नाराजगी हो जाए, कह रहा जी मैं नहीं संभालूंगा आपकी कंपनी, मैं जा रहा हूं। दोनों चीजें हो सकती हैं। After the incorporation, नॉमिनी कैन बी चेंज्ड, नॉमिनी कैन बी चेंज्ड, दिस चेंज कैन हैपन इन बोथ द फॉलोइंग वेज। दोनों तरीकों से हो सकता है। बोथ द फॉलोइंग वेज, क्या क्या वो दो रास्ते हैं भाई? एक रास्ता कि जो सोल मेंबर है वो नॉमिनी को हटाए, या जो दूसरा रास्ता है वो ये कि नॉमिनी खुद इस्तीफा देकर हट जाए। पहला, आइदर सोल मेंबर विशेस टू चेंज नॉमिनी, भैया तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? और नॉमिनी हिमसेल्फ, नॉमिनी खुद रिजाइन्स फ्रॉम नॉमिनीशिप। जो नॉमिनी है वो खुद नॉमिनी होने से इस्तीफा दे दे, वो कहे भाई जी मुझे नहीं नॉमिनी बनना है, अब मैं नहीं तुम्हारी कंपनी संभाल सकता, तुम तो मर जाओगे, तुम्हारी कंपनी में इतना गड़बड़ चल रहा है, आई कैन नॉट डील विद इट। भाई कोई भी रीजन हो सकता है, हमें रीजन में क्या पढ़ना, हमको रीजन के चक्कर में नहीं पढ़ना है, हमको प्रोसेस समझना है कंपनी लॉ में कि अगर मेंबर हटाना चाहे नॉमिनी को वो हो सकता है, और मेंबर और वो नॉमिनी खुद हटना चाहे ये भी हो सकता है। ठीक दोस्तों, देखें आप पॉइंट नंबर पांच। अच्छा, दोनों रास्तों में मैं आपको एक बात बताऊं, हल्का सा प्रोसेस में एक पॉइंट का डिफरेंस आएगा।
क्योंकि अगर नॉमिनी खुद छोड़कर गया तो पहले वो कंपनी को बताएगा कि मैं छोड़कर चला गया, फिर कंपनी नए आदमी को रखेगी और आरओसी फाइलिंग होगी। लेकिन अगर कंपनी हटाना चाहती है, सोल मेंबर उसे हटाना चाहता है, तो वो इस्तीफे वाला स्टेप हट जाएगा, है ना। मैं आपको समझाता हूं क्या कह रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर नॉमिनी खुद जाएगा तो थोड़ा 1-2-3 स्टेप्स हल्का सा एक पॉइंट का फर्क आएगा, और अगर कंपनी का वो जो सोल मेंबर है, जो अकेला मेंबर है, वो नॉमिनी को हटाएगा तो हल्का सा वो एक पॉइंट कुछ अलग होगा। आइए जरा लिखते हैं, इफ नॉमिनी हिमसेल्फ लीव्स इफ नॉमिनी हिमसेल्फ लीव्स द कंपनी स्टेप्स विल बी एज फॉलोज। अगर नॉमिनी ने खुद इस्तीफा दिया तो क्या स्टेप होंगे? पहला, नॉमिनी विल रिजाइन इन राइटिंग, राइट। कोई फॉर्म नहीं है जो नॉमिनी सरकार को भरेगा, कोई INC 4, 5, 6, 2 ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जो नॉमिनी को भरना है जाने से पहले। वो तो बस कागज पर लिखेगा मैं जा रहा हूं और बस वो चला जाएगा। अब तुम उससे कहते रहो तुसी ना जाओ, वो अलग बात, ठीक है ना। दूसरा स्टेप क्या है? कंपनी कीप्स अनदर नॉमिनी इन 15 डेज। कंपनी अगला नॉमिनी रख ले 15 दिन में, एंड टेक्स हिज कंसेंट इन INC 3। भाई पुराना चला गया तो भी द शो मस्ट गो ऑन, कंपनी तो चलती रहेगी। तो ये जो कंपनी है पुराने नॉमिनी के जाने के 15 दिन के अंदर नया नॉमिनी रख लेगी, लेकिन ये याद रखना कि नए नॉमिनी से भी कंसेंट साइन करवा लेना कि मैं होशो हवास में हूं, मैं इस कंपनी का नॉमिनी बनने को तैयार हूं, ठीक है। और नॉमिनी का जो कंसेंट फॉर्म है वो आपको पता है INC 3 है। अब ये बात कि हमने नॉमिनी बदल लिया है, ये बात हम सरकार को बताएंगे। कंपनी विल इन्फॉर्म दिस चेंज टू ROC विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज इन फॉर्म नंबर INC 4। INC 4 में हम ये बात सरकार को बताएंगे। एक बात जो आपको बता दूं कि ये जो 15 दिन हैं और ये जो 30 डेज हैं, ये दोनों अलग अलग हैं भाई। आज हमारा पुराना नॉमिनी छोड़ के चला गया तो पहले 15 दिन में नया रखो, और जब रख लो फिर उसके बाद से फिर फ्रेश 30 डेज काउंट हैं, तो कुल मिला के 45 हो गए, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना अपने माइंड में। चलो भाई सिक्स्थ पॉइंट, अब अगर हम नॉमिनी बदलना चाहते हैं, बेचारा नॉमिनी तो हमारे साथ रुकना चाहता है, वो नहीं चाहता कि कंपनी मुझे हटाए, कंपनी हटाना चाहती है। तो लिखिए इफ कंपनी और सोल मेंबर दोनों में से एक ही बात है भाई, वो अकेला ही तो है, खुद ही चैंप है अपनी कंपनी का। तो इफ कंपनी और सोल मेंबर विशेष टू चेंज नॉमिनी wishes to change nominee, there is no need of any removal process. अगर हम पुराने नॉमिनी को हटाकर नया रखना चाहते हैं तो कोई रिमूवल प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत नहीं है, बस आप नए नॉमिनी का फॉर्म भर दीजिए सरकार के पास, पुराना अपने आप हट जाएगा। ऐसा नहीं है ऑडिटर की तरह या डायरेक्टर की तरह आप पढ़िएगा बाद में कि भाई ऑडिटर को हटाने के लिए पहले ऑडिटर को नया ऑडिटर लाने के लिए पुराने को पहले हटाओ, नए डायरेक्टर को लाने के लिए पुराने को हटाओ,
लेकिन यहां नए नॉमिनी को लाने के लिए पुराने को हटाना नहीं पड़ता, नए का फॉर्म भरो, पुराना अपने आप हट जाता है। इफ वी डू आरओसी फाइलिंग इन फेवर ऑफ न्यू नॉमिनी, अगर हम नए नॉमिनी के फेवर में आरओसी फाइलिंग करते हैं कॉमा, तो क्या होता है, ओल्ड नॉमिनी ऑटोमेटिकली गेट्स रिमूव्ड, राइट। कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं वो मैं लिखवा रहा हूं, लेकिन आप बात समझिए ना, नए के लिए फॉर्म भर दो, पुराना गया। फॉलोइंग विल बी द स्टेप्स इन दिस केस। फॉलोइंग विल बी द स्टेप्स इन दिस केस। अब इस केस में ये जो 15 दिन वाला था ना चक्कर, ये नहीं होगा, क्योंकि कोई जाता है खुद छोड़कर तब 15 दिन में हमें नया चाहिए। यहां तो आज दिल करा कल नया वाला रख लिया, समझे आप फर्क। देखो ए, सोल मेंबर मे अपॉइंट न्यू नॉमिनी वेन एवर ही विश टू, वेन एवर ही विशेस टू। द ओनली रिक्वायरमेंट इज इकलौती जरूरत क्या है, द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट हिज, मतलब नॉमिनी की, हिज कंसेंट मस्ट बी टेकन इन INC 3। बस इतना चक्कर है कि जिस नए नॉमिनी को आप लेकर आ रहे हो उस नए नॉमिनी की कंसेंट बस आप अपने हाथ में रखना, राइट दोस्तों। बी पॉइंट, आरओसी फाइलिंग शैल बी डन विद इन 30 days ऑफ चेंज इन INC 4। जब आप नया ये नॉमिनी रख लें, बस उससे 30 दिनों के अंदर अंदर आप आरओसी को फाइल कर दो अपना फॉर्म। तो इसका कोई समय सीमा यहां पर नए वाले को रखने की कोई टाइम लिमिट नहीं है, क्योंकि यहां पर पुराना छोड़कर गया नहीं है ना। तो आफत किस बात की है कि भाई 15 दिन में नया रखना पड़ेगा, सीट खाली नहीं हो सकती। तो जब दिल करा तब INC 3 भरवा लिया नए नॉमिनी से, फिर 30 दिनों के अंदर फॉर्म भर दिया, सरकार को बता दिया कि भाई हमारा नॉमिनी बदल गया है, हो गया प्रोसेस। ये कुछ नियम थे जो Section 3 में लिखे हैं। मैं आपको बताऊं, ईबुक MCA.gov.in में ये कंपनी लॉ की ईबुक है, इसमें Section 3 अगर आप देखें तो Section 3 में सबसे पहले आपने 7 वाली बात पढ़ी, 2 मेंबर वाली बात पढ़ी, 1 मेंबर वाली बात पढ़ी, फिर उसके बाद ये जितने प्रोवाइडेड है ना दोस्तों, ये वाला प्रोवाइडेड, फिर देखो दूसरा प्रोवाइडेड फर्दर, फिर तीसरा प्रोवाइडेड ऑल्सो, फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो, फिर प्रोवाइडेड ऑल्सो, ये सब 1% कंपनी के बारे में है, एडिशनल एक्स्ट्रा। तो हमने ये सब पढ़ लिया, राइट, बिल्कुल क्लियर हो गई बात कि हमारी 1% कंपनी से रिगार्डिंग वो रूल्स जो Section 3 में लिखे हैं वो पढ़ लिया। 1% कंपनी का पूरा टॉपिक नहीं है ये, सिर्फ वो पॉइंट जो कहां थे Section 3 में। तो यहां हमारा Section 3 कंप्लीट हो गया दोस्तों, राइट। अब एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको ओरिजिनल सेक्शन के माध्यम से दिखाऊं,
ओरिजिनल सेक्शन में एक लाइन है जो मैंने आपको अभी नहीं लिखवाई, वो मैं तब लिखवाऊंगा जब सेक्शन 4 आप पढ़ेंगे। ये देखिए, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट एनी सच चेंज, कौन सा चेंज, ये जो नॉमिनी का नाम चेंज करा आपने, शैल नॉट बी डीम्ड टू बी एन ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। एक्चुअली ऐसा है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदलने का एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, एक लंबा प्रोसेस है। तो यहां लिखा है कि अगर आप नॉमिनी का नाम बदल रहे हैं, मेमोरेंडम में नॉमिनी का नाम चेंज कर रहे हैं, अपनी कंपनी के कागजों में नॉमिनी का नाम चेंज कर रहे हैं, तब भी यह नहीं माना जाएगा कि आपने नॉमिनी का नाम चेंज करने की वजह से मेमोरेंडम को चेंज करा। इसका मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को बदलने का जो लॉन्ग प्रोसेस है वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा आपको। ये पॉइंट तब तक नहीं समझना चाहिए हमें जब तक हम मेमोरेंडम को चेंज करने का प्रोसेस ना समझ लें। ये अभी जरूरी नहीं है ये पॉइंट, तो मैंने ईमानदारी से आपको बता दिया, ये अभी समझने का मौका नहीं है इसको। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गई बात। चलो अब अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं।